हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय राज अग्रवाल एंड वेलकम टू CIZ प्लस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपको ये कोर्स जिसका नाम है SSC JEE 2019 बुलेट ट्रेन कोर्स पसंद आ रहा होगा। टुडे इज डे 3 ऑफ दिस बुलेट ट्रेन कोर्स, जिसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस साइमल्टेनियसली करवा रहा हूं और एक गारंटी भी दे रहा हूं कि 35% ऑफ टेक्निकल सिलेबस मैं इन 8 डेज के कोर्स में खत्म करवाऊंगा। तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस ऑफ टेक्निकल, 100 में से 35 मैं आपको करवाऊंगा, ये मेरी आपको गारंटी है, एश्योरेंस है। तो एक बार जल्दी से स्टूडेंट्स आ जाएं, मैं देख रहा हूं कौन कौन आ चुका है, एक बार अपना रिप्लाई दें, हाय हेलो अपनी प्रेजेंस जरूर शो करें। जल्दी से कौन कौन आ गया है? अभी थोड़ा सा डिलेड है, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं? तो सबसे पहले कल और जो Day 1 और Day 2 के सेशंस थे, जिसमें कि हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को डिस्कस किया था, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? तो जल्दी से एक बार हैंड रेज करें या कमेंट में बताएं मुझे कि हाँ सर, मुझे वो चीज़ नहीं समझ में आई थी, कल कुछ कम समझ में आ पाया था। अगर कुछ ऐसा है तो मुझे बताएं, मैं उसको रिपीट करूंगा, नहीं तो आज के सेशन में मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉन्क्रीट, RCC रीइंफोर्समेंट कॉन्क्रीट या कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी की मैं बात करूंगा। तो एक बार मेरे से जल्दी से पूछ लो अगर कोई डाउट है तो, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी RCC कैसे, क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बताऊंगा वो सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि SSC JEE 2019 27 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये स्टार्ट करेंगे हम RCC पढ़ने के लिए। स्टार्ट हैं क्या? बिल्कुल तैयार हैं RCC पढ़ने के लिए। कौन कौन आ चुके हैं एक बार देख लेता हूँ, साहिल, गौरव, शुभम एंड हु एल्स, जल्दी से आ जाएं। या एक स्टूडेंट ने पूछा है रिस्ट्रेंड का मीनिंग बताओ। रिस्ट्रेंड, अगर आप कॉलम्स की बात कर रहे हैं तो रिस्ट्रेन होता है कि किसी भी चीज में रोक देना, तो जैसे फिक्स्ड एंड होता है, फिक्स्ड एंड होती है रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन एज वेल एज इट इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। तो एक अच्छा पॉइंट आपने, अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जब हम एक फिक्स सपोर्ट की बात करते हैं ना, फिक्स सपोर्ट ट्रांसलेशन में भी रिस्ट्रेंड होती है, ना तो वो ऐसे मूव कर सकती है ना ही ऐसे, ट्रांसलेशन में नहीं मूव कर सकती, और दूसरा वो इट इज ऑल्सो रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, रोटेट भी नहीं कर पाती। जबकि अगर मैं बात करूंगा एक हिंज सपोर्ट की, हिंज सपोर्ट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन तो होती है बट इट इज नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। ये समझ गए बात को? हिंज सपोर्ट जो होती है वो रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन होती है बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। आई होप यू आर गेटिंग इट। ये सबको समझ में लग रहा है? ओके, तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। अभी बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस सेशन को। इसको अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर कर लें। मेरे से सभी डिटेल में पढ़ने के लिए, SSC JEE का कोर्स डिटेल में पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको SSC JEE फुल न्यूट्रिशन पैक मिल जाएगा जो कि CIZ प्लस पर मिलेगा। या तो आप www.cizplus.com पर चले जाएं, या फिर CIZ प्लस की मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको 3 फ्री एक कोर्स मिल रहा है जिसमें 3 टेक्निकल टेस्ट मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको मिलेगा CIZ प्लस की मोबाइल ऐप पर। सो बिफोर यू एक्चुअली गिव द एग्जामिनेशन ऑन 27 अक्टूबर, आप 27 से 30 अक्टूबर तक जो पेपर है वो एग्जाम देने से पहले आप जरूर एक बार ये 3 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर ले जो कि CIZ प्लस की मोबाइल ऐप पर है। आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी वो प्रैक्टिस कर लिया होगा, क्योंकि अगर अभी तक वो नहीं किया है प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है वो प्रैक्टिस करना, ताकि एक बिल्कुल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस SSC JEE लेवल का ही मिलेगा। तो हम क्या स्टार्ट करें? अब करें स्टार्ट। ओके, एक स्टूडेंट और पूछ रहे हैं, देखिए गुलाब, मैं अभी आप मेरे से प्रेफरेबली वो ही क्वेश्चंस पूछें जो कि मैंने आपको इस बुलेट ट्रेन कोर्स में करवा रहा हूँ। ऐसी हैफ हैजर्ड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ लेंगे तो इट विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि मेरे को As promised to you, मेरे को वो 35 questions करवाने हैं जो कि पेपर में पूछे जाएंगे। तो अभी आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं दैट इज अ रेलिवेंट क्वेश्चन, बट मेरे अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए मैं उसको ओमिट कर रहा हूँ।
चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, बट सबसे पहले लेते हैं माता का नाम। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, तो जय माता दी मेरे पीछे पीछे जरूर बोलिए, ठीक है? ओके, चलिए। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स आ चुके हैं? गुलाब, कपिल, मानव, हेलो, हाय, गुड ईव, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ओके, चलिए अब स्टार्ट करता हूँ। आज का जो मेरा सेशन रहेगा उसमें मैं बात करूँगा प्राइमरीली आरसीसी। आरसीसी क्या होता है? आरसीसी के मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि मेरे अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे, ठीक है? तो देखिए, आरसीसी का मीनिंग क्या होता है? रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंक्रीट क्या होता है। तो बेसिक बातें पता होनी चाहिए कंक्रीट, मैं वो बातें बताऊंगा जो भी अभी आपसे एमसीक्यू में पूछेंगे। ध्यान से सुनो, बस ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पर बता रहा हूँ उससे 35 क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है? तो इधर देखते रहो कि कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट एक मिक्सचर है किस किस का? सीमेंट, सीमेंट है इसमें, सैंड आती है, कोर्स एग्रीगेट्स आता है, कोर्स एग्रीगेट्स। अब ये सैंड क्या होता है? सैंड होता है फाइन एग्रीगेट, यहां पर मैं फाइन एग्रीगेट लिख लेता हूं। फिर वाटर है, एंड देयर आर सेवरल एडमिक्सचर्स, हम इसमें कुछ एडमिक्सचर्स ऐड कर देते हैं। तो ये फाइव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि कंक्रीट मिलाते हैं, कंक्रीट बना देते हैं। अब जैसे ही ये कंक्रीट बन जाता है इसको रीइंफोर्स करना जरूरी है, और रीइंफोर्समेंट जब हम कर देते हैं वो किससे करते हैं? स्टील की रीइंफोर्समेंट करते हैं, इसलिए हम इसको आरसीसी कह देते हैं, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। सबसे पहले बात आती है कि जो कंक्रीट है, कंक्रीट एक होमोजीनस मिक्सचर है कि हेटेरोजीनस मिक्सचर है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कंक्रीट क्या है, इज इट अ होमोजीनस मिक्सचर और अ हेटेरोजीनस मिक्सचर? ये एक बार मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बता, होमोजीनस मिक्सचर समझते हैं, होमोजीनस और हेटेरोजीनस में क्या डिफरेंस होता है, होमोजीनस और हेटेरोजीनस? तो सबसे पहले मुझे बताओ कि कंक्रीट एक होमोजीनस मिक्सचर है कि हेटेरोजीनस मिक्सचर है, ये मैं जल्दी से देखना चाहता हूँ कौन सा स्टूडेंट क्या कहता है। तो शरणदीप ने होमोजीनस बताया, रजत ने हेटेरोजीनस बताया, तो कौन क्या बता रहा है, विक्रम ने भी हेटेरोजीनस बताया। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि होमोजीनस है या हेटेरोजीनस है, यह डिपेंड करेगा कि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देख रहे हैं या मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देख रहे हैं, ठीक है? हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे या मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे? माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है जब हम बिल्कुल अंदर घुसकर देखते हैं, कंक्रीट को बिल्कुल अंदर से देखते हैं, और जब हम कंक्रीट को मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देख रहे हैं मतलब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगर हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल की, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये बन जाता है हेटेरोजीनस, हेटेरोजीनस। जबकि अगर मैं मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करूंगा, मैक्रोस्कोपिक मतलब जब दूर से देखूंगा तो मुझे एक जैसा दिखेगा, तो दूर से देखने पर ये होमोजीनस मिक्सचर है। हाउएवर इफ ऑब्जर्व्ड माइक्रोस्कोपिकली दिस इज अ हेटेरोजीनस, हेटेरोजीनस इसलिए क्योंकि जब आप बहुत बारीकी से देखते हो ना तो इसमें डिफरेंट फेजेस दिखते हैं। एक फेज दिखता है, एक फेज दिखता है बिल्कुल कोर्स एग्रीगेट्स का, बिल्कुल जो स्ट्रॉन्ग कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं। दूसरा फेज इसको मैं कोर्स एग्रीगेट लिख लेता हूँ, कोर्स एग्रीगेट। फिर इसके आसपास यहाँ पर हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट होता है, HCP, HCP को मैं क्या कहता हूँ, सीमेंट पेस्ट, हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट, क्योंकि वाटर होता है। तो ये सेकेंड फेज है, ये फर्स्ट फेज है। तो ये टू फेज मटेरियल दिखता है जब आप मैक्रोस्कोपिक व्यू देखते हो, होमोजीनस लगता है, बट जब आप पास आकर देखोगे तो कोर्स एग्रीगेट्स कहीं पर बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा कम डेंस होते हैं। और जब आप पास अगर देखते हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोर्स एग्रीगेट के आसपास एक वाटर की थिन लेयर होती है, बहुत ही थिन, माइक्रोमीटर्स में थिकनेस होती है। कोर्स एग्रीगेट्स दे आर कोटेड विद वाटर फिल्म, वाटर की फिल्म होती है, एंड दिस फिल्म इज कॉल्ड ट्रांजिशन जोन, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन जोन। और ये ट्रांजिशन जोन आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर दिखती है। ये जो ट्रांजिशन जोन है ना, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल जोन, इसकी स्ट्रेंथ बहुत क्रिटिकल है।
मतलब सारी की सारी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो ट्रांजिशन जोन पर डिपेंड करती है, क्योंकि ट्रांजिशन जोन इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ कंक्रीट, इट इज द वीकेस्ट लिंक। ठीक है, ये बात समझ गए, इतनी सी बेसिक बात समझानी थी आपको। ओके मैं क्वेश्चंस लूंगा अभी। एक स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्टील से हम क्यों रिइंफोर्समेंट करते हैं, अभी मैं इस पर आऊंगा, बट सबसे पहले हम ये कंक्रीट को समझ गए, मैक्रो और माइक्रो, ये मुझे पॉइंट बताना था। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर में कंक्रीट को डालते हैं तो हमें स्टील की जरूरत ही आफ्टरऑल क्यों पड़ती है, व्हाई स्टील इज रिक्वायर्ड, व्हाई नॉट गो इन फॉर ओनली विद कंक्रीट। अब कंक्रीट होता क्या है कि जो कंक्रीट है इट इज गुड इन कंप्रेशन, गुड इन इट इज, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, गुड इन कंप्रेशन, मतलब ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी खासी लेता है, बट इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत वीक है, इट इज वीक इन टेंशन। अब अगर मैं IS 456-2000 के अकॉर्डिंग चलूंगा, IS 456-2000 कोड है कंक्रीट का, RCC का, लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर का, तो वो कहता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को जीरो मान लो, इग्नोर कर दो, तो हम इसको जीरो मान लेते हैं। अब होता क्या है, जब आप किसी स्ट्रक्चर जैसे कि बीम को रिइंफोर्स, बीम में जब आप कंक्रीट डालते हैं तो बीम में फ्लेक्जर आने की वजह से, बेंडिंग आने की वजह से, इसमें टेंशन भी आता है और कंप्रेशन भी आता है, दोनों आते हैं, क्योंकि बेंडिंग आ रही है, अगर सैगिंग हो रही है तो नीचे टेंशन ऊपर कंप्रेशन, अगर हॉगिंग हो रही है तो ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन, मतलब बीम में एक सेक्शन पर टेंशन भी आ जाता है कंप्रेशन भी आ जाता है। अब अगर आप इस पूरे सेक्शन में सिर्फ कंक्रीट डाल देंगे तो कंक्रीट कंप्रेशन तो लेगा बट टेंशन कौन लेगा, तो इसीलिए हमें रीइंफोर्स करना पड़ता है। टेंशन लेने लेता कौन है, टेंशन ले लेता है स्टील। अब जो स्टील है, स्टील इज गुड इन बोथ टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन, स्टील टेंशन भी अच्छी खासी लेता है, कंप्रेशन भी अच्छी खासी लेता है, इसलिए हम स्टील से रिइंफोर्स कर देते हैं। अब आप पूछेंगे, देखिए एक इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, स्टील इज गुड इन टेंशन एंड ऑल्सो गुड इन कंप्रेशन, ऐसा नहीं है कि स्टील कंप्रेशन में गुड नहीं है, स्टील इज गुड इन बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर ऐसे स्टील को ही क्यों यूज किया, आप एल्यूमिनियम या कॉपर या किसी भी और मटेरियल से भी रीइंफोर्स कर सकते थे, व्हाई ओनली विद स्टील, तो उसका एक आंसर ये है जो सबसे एप्ट आंसर है वो है अल्फा, अल्फा मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, सो अल्फा ऑफ कंक्रीट इज रफली इक्वल टू अल्फा ऑफ स्टील, जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ना, जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो दोनों का सेम है, जिसकी वजह से कोई थर्मल क्रैक्स नहीं आते, अगर इसका डिफरेंट होगा इसका डिफरेंट होगा तो टेम्परेचर स्ट्रेसेस ही बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, बट इन दोनों का अल्फा सेम होने की वजह से इनमें टेम्परेचर स्ट्रेसेस नहीं आते, एंड हेंस कॉन्क्रीट इज ऑलवेज रीइन्फोर्स्ड विद स्टील एंड नॉट विद एनी अदर मटेरियल, किसी और मेटल से या कहीं किसी और मटेरियल से हम इसको नहीं करते हैं यूज। ये बात समझ गए, बिल्कुल बेसिक बात है। ओके चलिए ठीक है, एनीथिंग एल्स, बीच बीच में क्वेश्चन आप पूछते रहिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहना, बट जो पढ़ा रहा हूँ बस यही क्वेश्चंस आते हैं कि ये, अब इसके ऊपर ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारी स्टेट इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टील क्यों यूज़ किया जाता है, स्टील इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अल्फा सेम है, इनफैक्ट SSC JEE 2018 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, SSC JEE 2018 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बेसिक बातें हैं, आगे चलें, मजा तो आ रहा है, एनीथिंग एल्स, चलिए अब आगे चलता हूं। अब बात करूंगा मैं मिक्स, बीच बीच में चलता रहूंगा, जो मेरे को RCC के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे वो मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करूंगा मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ये आप स्टील की लें या कंक्रीट की लें, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक लोड, ये दो चीजें क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक लोड, इन दोनों का क्या मीनिंग है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, जब मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा, जब मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो एक ऐसी स्ट्रेंथ जिससे कि 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स,
5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर मोर देन 5%, मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉल, आर नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स का कंसेप्ट है ना, ये प्रोबेबिलिस्टिक कंसेप्ट है, इसलिए यहां पर एक्सपेक्टेड बोलते हैं हम, एक्सपेक्टेड, क्योंकि एक प्रोबेबिलिस्टिक कंसेप्ट होने की वजह से। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एक ऐसी स्ट्रेंथ है, जब एक ऐसी स्ट्रेंथ जिससे कि 5% से ज्यादा रिजल्ट्स उससे कम नहीं आते, ठीक है, 5% से ज्यादा रिजल्ट्स उससे कम नहीं आते हैं, ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। ओके, तो मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स कुछ लिख रहे हैं, एनी डाउट इफ यू हैव, समझ में लग रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ समझ लग गया। अगर हम कंक्रीट की बात करेंगे, कंक्रीट में M25, ये M25 का क्या मीनिंग है, M स्टैंड फॉर मिक्स, M का मतलब होता है मिक्स, और 25 का मतलब होता है 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ होगी 28 डेज के बाद, 28 डेज के बाद जो स्ट्रेंथ होती है वो होगी 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और इसको हम कह देते हैं, इसको 25 को हम कह देते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज, ठीक है। जो हम क्यूब टेस्ट करते हैं ना, क्यूब कितने सेंटीमीटर की होती है, 15 सेंटीमीटर की क्यूब ली जाती है, तो 15 सेंटीमीटर की क्यूब लेते हैं, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन पर लेकर जाते हैं, 28 दिनों के बाद चेक करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ कम से कम 25 आनी चाहिए। सिर्फ 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स ऐसे होंगे जो 25 से भी कम स्ट्रेंथ देंगे, 95% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स वो 25 से ज्यादा ही रहेंगे, ये बात समझ रहे हो। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिससे कम सिर्फ 5% जाएगा, 95% तो ज्यादा ही रहेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा कैरेक्टरिस्टिक लोड की, तो कैरेक्टरिस्टिक लोड एक ऐसा लोड है जिस लोड से भी ज्यादा, बात करता हूं मैं एक इंजीनियर हूं, सपोज इंजीनियर छोड़ो, मैं एक कारपेंटर हूं, लेट से इंजीनियर तो बड़ी बात होती है, मैं मान लो एक कारपेंटर हूं, और मैं आपके लिए एक चेयर डिजाइन करना चाहता हूं, चेयर मैं बनाना चाहता हूं, मैं अब आपके आपके पास जाऊंगा और आपको बोलूंगा कि सर मेरे को ये बताइए कि जो मैंने चेयर बनानी है उस पर कितने केजी का व्यक्ति बैठेगा, उस पर कितने केजी का पर्सन उस पर आकर बैठेगा, तो आप कहोगे कि 90 केजी का बैठ सकता है मैक्सिमम, हो सकता है कि कोई, आप अपने फैमिली मेंबर से पूछो, वो कहेगा नहीं 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 नहीं, अगर कोई गेस्ट आ गए, हो सकता है कि कोई ज़्यादा भारी भरकम व्यक्ति आ गया, तो हो सकता है 100 केजी का व्यक्ति बैठ जाए, ऐसा हो सकता है, तो वो कहेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम इस चेयर पर 100 केजी लोड आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। पर फिर भी मैं, क्योंकि मैं कारपेंटर हूँ और मैं एक, आप समझ लो कि मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ उस चेयर को, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उस 100 केजी को ना थोड़ा बढ़ा दूंगा, मैं कहूँगा कि लेट से 120 केजी, कि 120 केजी से ज़्यादा नहीं आएगा लोड। अब वो 120 केजी मैंने इस हिसाब से माना है कि 5% टाइम्स हो सकता है कि 120 से भी ज़्यादा आ जाए, बट 95% टाइम्स जो लोड आएगा उस चेयर पर वो 120 से कम ही रहेगा। तो देयरफॉर 120 केजी को मैं कह दूंगा कैरेक्टरिस्टिक लोड। अब बात को समझे कि 95% टाइम्स जो लोड रहेगा वो उस लोड से कम रहेगा, इसीलिए उसको कैरेक्टरिस्टिक लोड कह देते हैं, और सिर्फ 5% टाइम्स ही वो उससे भी ज्यादा जाएगा लोड। तो देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक लोड ये होता है, ये सबको समझ लग गए। सो देयरफॉर हम ये बोलते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक लोड है और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आया है, ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज हैं। अब जो डिजाइन वैल्यूज हैं, डिजाइन वैल्यूज इनके बाद मिलते हैं, ये बस आप ध्यान में रखें। अब जो क्वेश्चन पूछेंगे ना वो ये नहीं था, क्वेश्चन जो अब एसएससी जेई में आएगा, जो दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज का, जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये है जो मैं अब बता रहा हूं। जो डिजाइन वैल्यूज हैं, तो लेट्स से मैं बात करता हूं डिजाइन स्ट्रेंथ की,
तो जो डिजाइन स्ट्रेंथ है और जो डिजाइन लोड है वो कैसे मिलता है हमें? डिजाइन स्ट्रेंथ हमें मिलता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को मैं डिवाइड कर देता हूं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, और जबकि मैं डिजाइन लोड कैसे मिलता है मुझे, कैरेक्टरिस्टिक लोड को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। बस ये ध्यान रखें। तो हम जो फाइनली अपना कोई भी आरसीसी का डिजाइन करते हैं वो हम डिजाइन करते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ और डिजाइन लोड पर, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज पर डिजाइन नहीं करते। बट हाँ, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक लोड निकालते हैं, उस पर यहां पर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं, यहां पर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें डिजाइन स्ट्रेंथ और डिजाइन लोड मिल जाता है। ये जो डिजाइन स्ट्रेंथ है, अगर बात बात करता हूं कंक्रीट की, तो कंक्रीट के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं? क्वेश्चन ये आता है, सबसे पहले तो ये दोनों फॉर्मूले याद रहने चाहिए। फॉर्मूले आपको याद नहीं करने, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत ईजी है। कंक्रीट के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जल्दी से बताइए, कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए भी बताइए। और जनरली अगर हम डेड लोड और लाइव लोड के लिए बात करते हैं तो यहां पर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताइए। कंक्रीट के लिए होता है 1.5, ये होता है 1.15 और ये होता है 1.5। ये समझ रहे हो? समझ गए ये बात? एक बार देखता हूं कुछ स्टूडेंट्स कोई डाउट लिख रहे हैं क्या। देखिए, एक स्टूडेंट लिख रहे हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए कुछ लाइए, तो प्रैक्टिस करने के लिए तो हम दे ही रहे हैं। मैं प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको कह ही रहा हूं कि आप सीआईजेड प्लस की ऐप इंस्टॉल करो, वहां पर आपको एक फ्री कोर्स मिलेगा जिसमें 3 मॉक टेस्ट मिलेंगे। वो 3 मॉक टेस्ट आप करो ना जाके, प्रैक्टिस तो होगी वहां पर असली, बट यहां पर कुछ थ्योरी भी पढ़ लो। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, पूरा थ्योरी तो नहीं पढ़ा सकता, बट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं जो लास्ट 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 में जरूरी है। लास्ट में ये रिवीजन, बस इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूरी हैं, आई होप कि आप नोट कर रहे हो, ठीक है, इतना जरूरी है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैं हमेशा से कराता आया हूँ मेरे चैनल पर। आप सीआईजेड प्लस के इस चैनल पर चले जाओ, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारे कराए हुए मिल जाएंगे, तो वो तो है ही है, बट उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये भी जरूरी है, ठीक है, ओके। तो ये समझ गए, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, इस स्लाइड को जरूर ध्यान रख लो, डिजाइन स्ट्रेंथ और डिजाइन लोड, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाने वाला है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करूंगा मैं। आरसीसी में 3 तरह के सेक्शन होते हैं, एक होता है बैलेंस सेक्शन, एक होता है अंडर रीइंफोर्स सेक्शन और एक होता है ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। ये क्या होते हैं? इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। बैलेंस सेक्शन, ये 3 तरह के फ्लेक्जर सेक्शंस हैं मेरे पास आरसीसी बीम के, या हम फ्लेक्जरल सेक्शंस ये 3 तरह के कह सकते हैं, बैलेंस सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड या फिर ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो क्या होता है बैलेंस सेक्शन और क्या होता है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन और क्या होता है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन? तो देखो, बहुत ही सिंपल बात है, कंफ्यूज मत होना, घबराना मत, इनका मैं मीनिंग समझाता हूँ, सिंपल, आधा मिनट लगेगा, बस आधा मिनट मुझे सुन लो, सब कुछ भूल जाओ, माइंड को रिलैक्स करो, पहले बिल्कुल रिलैक्स करो, बिल्कुल काम हो जाओ, ध्यान से मुझे सुनो, बस ध्यान से, ठीक है। अब देखो, बैलेंस्ड अंडर इन्फोर्स और ओवर इन्फोर्स का क्या मीनिंग होता है? तो एक आरसीसी सेक्शन में एक कॉन्क्रीट है और एक स्टील है। एक क्या है? कॉन्क्रीट है और क्या है? स्टील है। अब कॉन्क्रीट और स्टील में रेस लगी है, क्या लगी है? रेस लगी है, इनमें एक होड़ लगी है, जीतने की रेस लगी है, दोनों में आपस में कंपटीशन है। स्टील कहता है, स्टील की जो फिनिशिंग लाइन है और कंक्रीट की फिनिशिंग लाइन है, बस वो डिफरेंट है। जनरली जब हम रेस लगाते हैं किसी के साथ तो फिनिशिंग लाइन सेम होती है ना, फिनिशिंग लाइन सेम होती है ना जब रेस लगाते हैं, बट इस केस में, इस रेस में स्टील और कंक्रीट की फिनिशिंग लाइन डिफरेंट है। स्टील की फिनिशिंग लाइन क्या है? तो इनकी परमिसिबल वैल्यूज देखिए, परमिसिबल वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन, परमिसिबल वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन फॉर स्टील
एंड फॉर कॉन्क्रीट, दोनों की डिफरेंट है। तो स्टील की जो वैल्यू है वो है 0.87 एफ वाई बाई ई एस प्लस 0.002। ये है स्टील की फिनिशिंग लाइन की वैल्यू, मतलब इट इज द परमिसेबल स्ट्रेन। और कॉन्क्रीट का क्या है? 0.0035। तो ये कॉन्क्रीट की परमिसेबल स्ट्रेन है, ये स्टील का परमिसेबल स्ट्रेन है। तो अब इन दोनों ने स्टार्ट करना है जीरो से, स्टील भी जीरो पर है, कॉन्क्रीट भी जीरो पर है। स्टील ने कहां पहुंचना है? यहां पर पहुंचना है। कॉन्क्रीट ने कहां पर पहुंचना है? यहां पर पहुंचना है। तो दोनों में रेस लग गई। अब जो दोनों, अगर दोनों के दोनों सेम ही टाइम पर पहुंचेंगे, अगर लेट्स से कि दोनों एक ही टाइम पर पहुंच जाएंगे, मतलब ये अपनी फिनिशिंग टाइम और ये अपनी फिनिशिंग टाइम सेम साइमल्टेनियसली पहुंचते हैं, ऐसे को हम कहते हैं बैलेंस सेक्शन, यानी कि टाई हो गया मैच में, इन दोनों के बीच में कोई नहीं जीता, टाई हो गया मैच। ना तो स्टील पहले पहुंच सका, ना कॉन्क्रीट पहले पहुंच सका, दोनों साइमल्टेनियसली पहुंचे। ये बात समझ गए? बट जब बात करते हैं अंडर इन फोर सेक्शन की, अंडर इन फोर सेक्शन में इन दोनों में से रेस कौन जीतता है? इन दोनों में से रेस जीतता है स्टील। तो स्टील विंस द रेस, स्टील विंस द रेस। अंडर इन फोर सेक्शन हम उस सेक्शन को कहते हैं जब स्टील रेस जीत जाता है, स्टील कंपटीशन में फर्स्ट आ जाता है, कंक्रीट हार जाता है। और ओवर रिइंफोर्स सेक्शन हम उस सेक्शन को कहते हैं जब कंक्रीट जीतता है, व्हेन कंक्रीट विंस द रेस, जब कंक्रीट रेस जीत जाता है। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे? सबसे पहले इसको, मतलब कंक्रीट विंस का मतलब क्या हुआ कि कंक्रीट अपने परमिसिबल वैल्यू पर पहले आ रहा है और स्टील अपने परमिसिबल वैल्यू पर यहां पर ओवर रिइंफोर्स सेक्शन में बाद में पहुंचता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों सेक्शन में से सबसे अच्छा सेक्शन कौन सा है, तो सबसे अच्छा सेक्शन है अंडर रिइंफोर्स सेक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टील पहले पहुंचता है। तो स्टील पहले पहुंचने इसको हमने अच्छा क्यों कह दिया? एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए ये क्यों अच्छा है कि स्टील पहले पहुंच जाए, बता सकते हो? हम क्यों चाहते हैं कि स्टील पहले पहुंचे? हम चाहते हैं कि स्टील इसलिए पहले पहुंचे क्योंकि स्टील बीइंग अ डक्टाइल मटेरियल, देखिए ये है ना, ये एक डक्टाइल मटेरियल है और ये एक ब्रिटल मटेरियल है। तो स्टील क्योंकि एक डक्टाइल मटेरियल है, तो जब स्टील अपने परमिसिबल स्ट्रेंथ पर पहले पहुंचेगा तो ये एकदम लंबा खींचने लग जाएगा, एक लंबा ऐसे बहुत इलोंगेट होने लग जाएगा। तो उससे हमें एक वार्निंग मिलेगी, अच्छी खासी वार्निंग हमें मिलने लग जाएगी व्हेन स्टील विंस द रेस। सो देयरफॉर दिस इज प्रेफर्ड बिकॉज दिस इज अ डक्टाइल फेलियर, दिस इज अ डक्टाइल फेलियर। और ये क्या सा फेलियर है? ये ब्रिटल फेलियर है। ये भी अच्छा है, बैलेंस इज ऑल्सो गुड, बैलेंस भी अच्छा माना जाता है क्योंकि बैलेंस में भी हमें वार्निंग मिल जाती है 0.002। ये 0.002 इसलिए ऐड किया जाता है ताकि हमें यहाँ पर वार्निंग मिल जाए स्टील की वजह से। बट अंडर इन्फोर्स में तो बहुत अच्छी खासी वार्निंग मिलती है, ओवर इन्फोर्स में बिल्कुल भी वार्निंग नहीं मिलती। तो इसीलिए अगर आप अपनी बीम को बचाने के लिए, अगर आप अपने बीम को बचाने के लिए, जैसे होता क्या है, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि ज़्यादातर के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनती हैं, वहाँ पर बीम का डिज़ाइन होता है। तो वो क्या करते हैं कि किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से डिज़ाइन करा लेते हैं। मान लो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने, प्राइवेट स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने कहा कि एक बीम में 416 mm की बार चाहिए, एलेक्ट से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज़ एक किसी इंजीनियर ने कहा कि नीचे 416 की बार डाल दो। तो जब वो फाइनल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चेक होने जाता है तो वहाँ पे जो SDO होता है, वो SDO कहता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि स्टील कम रह जाए। तो SDO कहता है कि ऐसा करो 416 की जगह 516 की कर देते हैं, वो अपनी तरफ से 516 की डाल देता है। फिर जब वो SDO XCN के पास जाता है, XCN कहता है नहीं भाई बिल्डिंग गिर ना जाए, ऐसा करो आप 516 की जगह 520 की डाल दो। तो वो क्या करते हैं 520 mm की बार डाल देते हैं। फिर XCN जाता है SC के पास, अपने बॉस के पास जाता है। तो जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है वो कहता है कि ऐसा करो 520 की ना डालो, ऐसा करो 525 की डाल दो, कल को कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता, सॉरी टू से, ऐसा हर डिपार्टमेंट में नहीं होता, एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब वो हायर ऑफिशियल 525 mm की डाल देता है,
अब अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर था उसने तो डिजाइन किया था, उसने कहा था कि 4 16 की बहुत है, पर डल कितनी गई, 5 25 की, बहुत ज्यादा स्टील डल गया। उससे क्या हुआ, एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने सेफ बनाने की कोशिश की थी, बट इतना ज्यादा हैवी स्टील डल जाने की वजह से वो सेक्शन क्या बन गया, वो एक ओवर रिइंफोर्स सेक्शन बन गया, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी स्टील डल गया। अब जैसे ही वो एक ओवर रिइंफोर्स सेक्शन बना तो क्या होगा, जैसे ही वो एक ओवर रिइंफोर्स सेक्शन बना तब क्या हो जाएगा, अगर कल को अर्थक्वेक आता है, अगर कल को कोई भी ऐसे कैलेमिटी आती है, अर्थक्वेक आता है, तो उस बिल्डिंग का जो फेलियर होगा वो एक ब्रिटल फेलियर होगा, यानी कि इमिजिएटली ऐसे करके ढह जाएगी, ब्रिटल फेलियर विल टेक प्लेस, इसका ब्रिटल फेलियर हो जाएगा। तो स्टील बढ़ा देना नुकसानदायक हो गया, फायदेमंद नहीं हुआ। अपनी तरफ से तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने स्टील बढ़ाया कि फायदा मिलेगा, पर यहां पर फायदे की जगह नुकसान हो गया, क्योंकि आपने उसको ओवर रिइंफोर्स बना दिया। ओवर रिइंफोर्स बीम देखो फेल तो करेगी ना, कल को अर्थक्वेक आ गया फेलियर होगा, पर वो फेलियर कैसा हो जाएगा, ब्रिटल फेलियर हो जाएगा, जो कि बड़ा नुकसानदायक है। हमें इवैक्यूएशन का टाइम नहीं मिलेगा। जब भुज अर्थक्वेक आया था तो जानते हो क्या हुआ था, भुज अर्थक्वेक के टाइम पर भी इतनी ज्यादा कैजुअलिटी इसलिए हुई थी क्योंकि गुजरात में जो मैक्सिमम बिल्डिंग्स उस टाइम पर बनी हुई थी, आज का तो मुझे नहीं पता, बट उस टाइम पर जब आफ्टर द अर्थक्वेक सर्वे किया गया था तो ये निकल कर आया था कि वहां पर सारी बिल्डिंग्स ओवर रिइंफोर्स्ड डिजाइन हुआ हुआ था, ओवर रिइंफोर्स्ड, स्टील भर भर के दिल खोल के डाला हुआ था। स्टील ज्यादा डालने से क्या हुआ, ओवर रिइंफोर्स्ड बन गया, और विदाउट एनी वार्निंग एकदम से लोगों को बिल्डिंग के बाहर निकलने का टाइम तक नहीं मिला, तो ऐसा नुकसान हो जाता है। ठीक है, ओके, तो चलिए अब मैं वापस आता हूँ क्वेश्चन पर। अब जो एक तो ये बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा आपको समझ में लग गया होगा, अब जो क्वेश्चन आएगा वो सुनो जरा ध्यान से, क्या है वो क्वेश्चन, क्या है ये सुनते हैं। क्वेश्चन आता है इसकी मैथमेटिकल कोरोलरी पर, जो मैथमेटिकल कोरोलरी है वो है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से रिलेटेड। बैलेंस सेक्शन में जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है वो कितनी होती है, एक्स यू बैलेंस्ड के बराबर, ये होती है एक्स क्यूब बैलेंस के बराबर। ठीक है, जबकि अगर मैं अंडर रिइंफोर्स सेक्शन की बात करूंगा, जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है दैट इज लेस देन एक्स यू, इज लेस देन एक्स यू बैलेंस्ड, बैलेंस्ड होती है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, और ओवर रिइंफोर्स सेक्शन में जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है दिस इज ग्रेटर देन एक्स यू बैलेंस्ड। ओवर रिइंफोर्स सेक्शन में डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इससे भी ज्यादा होती है, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा होती है, तो इसीलिए IS 456/2000 ने कहा कि ओवर रिइंफोर्स सेक्शन तो कभी बनना ही नहीं चाहिए, इसीलिए मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो बैलेंस्ड सेक्शन वाली को ही मैक्सिमम मान लिया गया। सो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या हो गया, वो बैलेंस्ड के बराबर हो गई। तो अगर मैं बात करता हूं एक्स यू लिमिटिंग इज इक्वल टू एक्स यू बैलेंस्ड, ये आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए। सो एक रेशियो आपको याद रखनी है एक्स यू बाय डी लिमिटिंग, ये वैल्यू कितनी होती है, ये डिपेंड करती है कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील है, 0.46, 0.48 या 0.53। ठीक है, एक्स यू बाय डी लिमिटिंग ये कितनी होती है, 0.46, 0.48 या 0.53 कितनी होती है। तो अगर मैं यहां पर देखूंगा 0.46 होती है Fe किसके लिए, जल्दी से बताओ, ये होती है Fe 500 के लिए, ये होती है Fe 415 के लिए, और ये होती है Fe 250 के लिए। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा, ये याद है कि नहीं है, कितने स्टूडेंट्स को ये याद है, ये याद है सभी स्टूडेंट्स को कि नहीं, याद बिल्कुल रहना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। अब या तो ये क्वेश्चन आएगा या फिर आएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन, तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूंगा तो 500, 415 और 250 के लिए क्या वैल्यूज होती है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की, तो लेट से मैं लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखता हूं, ये कितना लूंगा, ये होता है 0.138 FCkBD²
ये किसके 0.138 किसके लिए होता है, ये 0.138 सबसे ज्यादा फेमस है, आपने सबसे ज्यादा पढ़ा होगा इसको, क्योंकि ये होता है Fe415 के लिए, दिस इज फॉर Fe415। मैं तो ये कहूंगा कि बस ये याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है Fe415 के लिए। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि Fe500 के लिए कितना होता है, बताओगे Fe500 के लिए? जल्दी बताओ, कौन बताएगा Fe500 के लिए कितना होता है? देखता हूं एक बार, Fe500 के लिए ये कितना होगा, जल्दी बताइए। 0.138 की जगह वो वैल्यू कितनी होती है Fe500 के लिए? अर्णव वर्मा बता रहे हैं 0.133, पक्का। Fe250 के लिए कितनी होती है? Fe250 के लिए Fe250 के लिए बताइए। ओके करेक्ट, तो देखिए ये है 0.133 FCkBD2, ये होती है Fe500 के लिए। और अगर मैं बात करूंगा 0.148 FCkBD2, तो ये हो जाती है Fe250 के लिए। ठीक है, तो आपको 0.138 FCkBD2 हमेशा याद रखना है, ये याद हमेशा रखिएगा। अब अगली बात करता हूं, नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्लैब एंड कॉलम्स की। मैं देखिए, क्योंकि ये बुलेट ट्रेन कोर्स है, तो इसमें मैं आपको कुछ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही सिर्फ बता रहा हूं जो कि मुझे लगता है कि पेपर में पूछे जाएंगे। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं आज के, आज हमने 3 क्वेश्चन जरूर डिस्कस कर लिए हैं अभी तक के आरसीसी के। अब स्लैब एंड कॉन्क्रीट पर भी एक क्वेश्चन आता है, या स्लैब से या कॉन्क्रीट से, वो क्वेश्चन क्या है? वो आता है इसके क्लॉजेज पर। तो स्लैब और कॉन्क्रीट के क्लॉजेज पर क्वेश्चन आता है, वो क्या है वो जानने से पहले एक बार मैं फिर बता दूं, देखो मेरे साथ आप ये बुलेट ट्रेन कोर्स कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट उससे भी ज्यादा अच्छी बात ये है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। अब पेपर आ गया है, जस्ट नेक्स्ट वीक पेपर है, तो अब लास्ट मोमेंट पर आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस के लिए CIZ+ लाया है एक फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, तो वो आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी CIZ+ की ऐप पर। आप CIZ+ की ऐप पर जाओ, वहां पर आपको एक मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें आपको 3 टेस्ट मिलेंगे टेक्निकल के, सिविल के, वो टेस्ट परफॉर्म कर लो, एक आज कर लो, एक 2 दिन के बाद कर लो, एक 2 दिन के बाद कर लो, उनको बार बार भी दे सकते हो, जरूर करो, एक प्रैक्टिस हो जाएगी, पता लग जाएगा किस तरह का पेपर आएगा। ये मेरे साथ सेशन तो कर ही रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और हाँ, इन बिटवीन मुझे पिछले कल और परसों में बहुत सारे मैसेजेस और कॉल आए, बहुत अच्छा स्टूडेंट्स का रिस्पांस आ रहा है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर ये क्लास को डबल कर दो, टाइम बढ़ा दो। अरे भाई, टाइम तो मैं बढ़ा दूं, पर CIZ+ पर जो हमने एक कोर्स बना के रखा हुआ है, वो किसके लिए बना के रखा है? उसका नाम है SSC JEE फुल न्यूट्रिशन पैक। अब हम आपके लिए क्या करें, हम आपके लिए ये कर सकते हैं कि वो पेड कोर्स को बहुत ही कम प्राइस पर कर दें, वो हमने कर दिया है। कैसे किया है? आपको एक प्रोमो कोड मिल रहा है, एक प्रोमो कोड मिल चुका है आपको। कौन सा प्रोमो कोड है? Bullet67, क्योंकि ये एक SSC JEE बुलेट कोर्स है, तो आपको एक प्रोमो कोड ऑलरेडी मिल चुका है, Bullet67। 67 का मतलब है कि 67% ऑफ आपको मिल जाएगा, तो इसलिए ये Bullet67 कोड यूज करो और हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप घर पे बैठकर मेरे साथ पढ़ सकते हो इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स। लाइव लेक्चर तो मैं जो YouTube पर ले रहा हूँ वो ले ही रहा हूँ, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं 2 या 3 लेक्चर्स YouTube पर नहीं ले सकता एक दिन में। एक स्टूडेंट ने तो कल हद ही कर दी, उसने कहा कि सर सुबह से लेकर शाम तक बस आप पढ़ाते ही जाओ। तो मैंने कहा कि मैं पढ़ा ही तो रहा हूँ, आप इस ऐप पर जाओ, वहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, बट लाइव पढ़ाऊँ या रिकॉर्डेड पढ़ाऊँ क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो मेरे से पढ़ने से ही मतलब है, रिकॉर्डेड हो या लाइव हो क्या फ़र्क है? रादर आप ऐप पर जाकर 2x स्पीड पे पढ़ो, रिवीजन के पर्पज से ना आप उसको 2x का बटन दबा दो, 2x 2.5x भी कर सकते हो, तेज़ कर दो उसको ताकि रिवीजन हो जाए जल्दी से, सोते सोते पढ़ लो। हाँ, रट्टा नहीं मारना, कंसेप्ट को जल्दी से करना है, ठीक है। चलिए, तो ये Bullet67 हो गया। ओके अर्णव, आपका हमने देख लिया है, गेट 2021 के लिए हम बहुत जल्दी एक क्रैश कोर्स ला रहे हैं, बिल्कुल ला रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ गए, ये अब स्लैब एंड कॉलम स्टार्ट करें, वापस आए, ब्रेक हो गई है अच्छी खासी, स्टार्ट करते हैं। स्लैब वो
होती है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। वन वे स्लैब क्या होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब की डेफिनेशन पर क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट बता रहा हूं। वन वे स्लैब क्या होती है, जिसका एल वाई बाय एल एक्स ग्रेटर देन टू होता है वो होती है वन वे स्लैब, और जिसका एल वाई बाय एल एक्स लेस देन टू होती है वो होती है टू वे स्लैब। समझ गए बात को। अब जो स्लैब के अंदर क्वेश्चन आता है ना, वो आता है इसके कोडल क्लॉजेस पर, इसके क्लॉजेस हैं उस पर क्वेश्चन आता है। तो हम ये क्लॉज देखते हैं। स्लैब में सबसे पहली बात आती है मिनिमम रीइंफोर्समेंट की। मिनिमम रीइंफोर्समेंट हम कितनी डालते हैं, ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है। तो कितनी होती है ये कोई बता सकता है मुझे, व्हाट इज द मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन स्लैब। इन बिटवीन एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है वैलिडिटी कब तक है। तो देखिए वैलिडिटी हमने जो एसएससी जेई फुल न्यूट्रिशन पैक है उसकी 60 डेज की वैलिडिटी रख दी है, तो वो सिर्फ एग्जाम तक ही नहीं, वो 60 डेज तक वैलिड रहेगा कोर्स। ये बहुत ही अच्छी बात है। हमने 30th अक्टूबर तक रखा था, बट इट हैज इंक्रीज्ड टू अप टू 60 डेज। सो वॉट एवर इज योर डेट ऑफ परचेज, जो भी डेट ऑफ परचेज है, जब तक ये बुलेट पैक चलेगा तब तक वो प्रोमो कोड रहेगा, तो जो भी डेट ऑफ परचेज रहेगी 60 डेज तक वो वैलिड रहेगा। ओके, कमिंग बैक, मिनिमम रीइंफोर्समेंट अगर हम स्लैब की बात करेंगे तो वो होती है 0.15% या फिर 0.12%। 0.15% होती है, 0.15% एंड 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो ग्रॉस एरिया हमने लेना है, तो स्लैब का जो भी ग्रॉस एरिया होगा वो करना है। तो इसलिए जैसे ये हो जाएगा, ये कितना बन गया 0.0015 बी इंटू कैपिटल डी, ये हो गया 0.0012 बी इंटू कैपिटल डी। बट 0.12% आपने लेना है एच वाई एस डी स्टील के लिए, ये लेना है एच वाई एस डी स्टील के लिए, और ये लेना है माइल्ड स्टील के लिए। बस ये ध्यान में रखें, ये होगा माइल्ड स्टील के लिए, ये होगा एच वाई एस डी स्टील बार के लिए। ये समझ में लग रहा है, 0.15% 0.12%, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है पूछने के लिए, यही पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, 0.12% सबने सही दिया था। अब जो अगली चीज पूछते हैं वो है मैक्सिमम स्पेसिंग की। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ बार्स, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ बार्स कितनी रखते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं मेन स्टील की, मेन स्टील की अगर मैं बात करूंगा तो मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी रखनी है, 3D या 300 mm, ये बस याद कर लो, कुछ नहीं, बस जो मैं बता रहा हूं यही पूछा जाएगा पेपर में, 3D या 300 mm, विच एवर इज लेस। मतलब ना तो स्पेसिंग 3 × d से ज्यादा होनी चाहिए, d क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, तो ना तो वो 3 × d से ज्यादा होनी चाहिए और ना ही वो 300 mm से ज्यादा होनी चाहिए। ये बात किसकी कर रहा हूं मैं, मेन स्टील की। और हाँ, 3D भी याद रखना, 300 mm तो सब लोग लिख रहे हैं, 3D भूल रहे हैं लोग, 3D भी लिखें जल्दी से, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की अगर मैं बात करूंगा, जो सेकेंडरी स्टील होता है टेम्परेचर स्टील होता है जो, उसकी मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होती है। तो ये देखो, ये 3D है ना, ये हो जाएगा 5D, और ये है 300 mm, तो ये कितना हो जाएगा, ये 300 mm है तो ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 500 नहीं होगा, 450 mm होगा। तो अर्णव वर्मा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 5D और 450 mm, समझ गए। तो ये है मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की मैक्सिमम स्पेसिंग। बिल्कुल सिंपल सी बात करी मैंने, जब स्लैब्स की हम बात करते हैं तो स्लैब्स के ये दो क्लॉजेज मत भूलना, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की काफी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है। अब अगली बात करूंगा, एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट इन स्लैब्स, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, स्लैब्स में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं आप। देखिए, जो मेन स्टील होता है वो फ्लेक्सुरल स्टील होता है, ये शॉर्टर स्पैन का जो स्टील होता है वो मेन स्टील होता है, शॉर्टर स्पैन स्टील, ये पता है ना, जस्ट बेसिक कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं, शॉर्टर स्पैन स्टील इज द मेन स्टील। चलिए अब आगे चलूंगा, बात करूंगा कॉलम्स की। आप कहोगे सर बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो, तो ये बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन तो जल्दी चलती है। यहां पर मैं सिर्फ वही पॉइंट्स डिस्कस कर सकता हूं जो कि मेरी
इस टाइम पर फीलिंग मुझे आ रही है कि इस बार 2019 में जो पेपर होने जा रहा है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसीलिए मैं क्वेश्चंस ही वो पॉइंट्स ही वो डिस्कस कर रहा हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि आएंगे। हाँ, इनको डिटेल में पढ़ने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको क्या करना है, आपको SSC JEE फुल न्यूट्रिशन पैक जाकर ले लेना है, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव पैक नहीं है वो सिर्फ उतना सा ही पैक है जो पेपर तक का पढ़ सकते हो, हर सब्जेक्ट के 5 से 8, 10, 15 लेक्चर्स, इतने ही लेक्चर्स हैं, कम लेक्चर्स हैं हर सब्जेक्ट के, उतना पढ़े जा सकते हैं पेपर से पहले, ऐसा नहीं है कि पूरा भरमार दे देंगे आपको कि पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। एनीवेज, उसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, पूरी फुल टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। कॉलम्स की बात करता हूँ, कॉलम्स में सबसे पहले देखिए हमें जो कोडल क्लॉजेज हैं जो यहाँ पर याद रखने हैं, कोडल क्लॉजेज याद रखने हैं, वो क्या हैं? मिनिमम डाया, मिनिमम डाया जो हम यूज़ करते हैं वो हमेशा 12 mm से ज़्यादा होता है, 12 mm या ग्रेटर देन 12 mm, ठीक है, ये हमेशा। एक क्वेश्चन पूछा गया है, अर्नव ने क्वेश्चन पूछा है थिकनेस ऑफ स्लैब, तो देखिए थिकनेस ऑफ स्लैब का कोई ऐसा नहीं है कि मिनिमम या मैक्सिमम, जनरली स्पीकिंग अगर हम बात करते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की, जैसे रेजिडेंशियल आप कोई भी बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसमें 5 inches की थिकनेस लेते हैं हम, 5 inches मतलब हो गया 125 mm या 130 mm, समवेयर अराउंड 130 mm, 125 mm। और अगर हम कॉमर्शियल बिल्डिंग की बात करते हैं, जैसे मॉल्स हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, या हॉस्पिटल हो गए जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आ सकते हैं, जहाँ का लाइव लोड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमें थिकर डायमेंशन देनी पड़ती है, थिक स्लैब देनी पड़ती है, तो 5 inch की जगह 6 inch कर देते हैं, तो 6 inch हो गया 150 mm। 150 से भी ज़्यादा थिकनेस जनरली प्रोवाइड नहीं की जाती स्लैब्स के केस में। हाँ, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्लैट स्लैब, फ्लैट स्लैब वो स्लैब होती है जिसमें कोई भी कॉलम नहीं, जिसमें बीम नहीं होती, सिर्फ कॉलम होता है, स्लैब से लोड सीधा कॉलम पर ट्रांसफर होता है, तो उस केस में शीयर फेलियर होने का डर रहता है, जस्ट बिकॉज देर इज अ डेंजर ऑफ शीयर फेलियर, वहां पर हम स्लैब की थिकनेस बढ़ा देते हैं। तो फ्लैट स्लैब में तो 300 mm तक भी चले जाती है, 350 mm तक भी चले जाती है स्लैब की थिकनेस, तो फ्लैट स्लैब बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है क्योंकि थिकनेस स्लैब बहुत ज़्यादा है, स्टील भी हैवी लगता है, कॉन्क्रीट भी बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। एक और बात, अगर आप राफ्ट फाउंडेशन की बात करते हैं, फाउंडेशन में जो स्लैब्स लगती हैं उसकी भी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, वो भी थिकनेस 1000 mm तक भी हो सकती है वो थिकनेस, ठीक है, ओके। आई होप मैंने थिकनेस ऑफ स्लैब का करेक्ट आंसर दे दिया है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया है मेरे से, गौरव पूछ रहे हैं क्लियर कवर, तो देखिए क्लियर कवर हम स्लैब में जो देते हैं एज पर IS 456-2000 20 mm का है, 20 mm फॉर स्लैब्स, 25 mm फॉर बीम्स, ठीक है, ओके। अब यहां पर हम कॉलम की बात कर रहे हैं, मिनिमम डायमीटर है 12 mm आपने यूज करना है। फिर अगर मैं रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करता हूं, रेक्टेंगुलर सेक्शन में मिनिमम नंबर ऑफ बार्स कितने हैं और सर्कुलर सेक्शन में मिनिमम नंबर ऑफ बार्स कितनी है ये बताइए, मिनिमम नंबर ऑफ बार्स फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन कितनी होती हैं? 4। एंड व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड इन अ सर्कुलर सेक्शन, ये कितनी है? 6। ये नहीं भूलना, ये 4 और 6 बिल्कुल हमेशा याद रखिए, ठीक है, ओके। फिर अगला क्वेश्चन जो कॉलम में मेरे हिसाब से पूछा जा सकता है वो क्या है? अब हमें यहां पर सबसे पहले ये तो पता लग गया कि कॉलम में जो ये बार्स डाली हैं ये है लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट है ये, बट कॉलम्स में लेटरल रिइंफोर्समेंट भी डालते हैं, लेटरल रिइंफोर्समेंट डालने का क्या पर्पज होता है ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग लेटरल रिइंफोर्समेंट इन कॉलम्स? सो लेटरल रिइंफोर्समेंट हम डालते हैं क्योंकि ये कन्फाइनमेंट कर देती है कॉन्क्रीट की, कन्फाइनमेंट ऑफ कॉन्क्रीट, फिर ये क्या करता है, इट टाइज अप, इट होल्ड्स टूगेदर लॉन्गिट्यूडनल बार्स, ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स को बांध कर रखता है, ठीक है। और तीसरा लेटरल शीयर भी लेता है। तो क्वेश्चन आता है कि क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि एक तो कन्फाइनमेंट करता है, कंक्रीट को बांध कर रखता है, कंक्रीट को ऐसे बांध कर रखता है, कन्फाइन कर रखता है, और ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स को टाई करके रखता है, एक दूसरे के साथ बांध कर रखता है, बकलिंग भी नहीं होने देता, लॉन्गिट्यूडनल बार्स की इंडिविजुअल बकलिंग नहीं होने देता, और लेटरल शीयर भी लेता है, जो लेटरल फोर्सेज आती हैं
वो भी लेता है। तो इसके साथ ही मैंने आज के सेशन में क्या क्या देखा, हम इसको जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया, ब्रीफ अप करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको RCC का मीनिंग बताया, कॉन्क्रीट बताया। कॉन्क्रीट क्या होता है, एक बार जल्दी से ब्रीफ अप करें मेरे साथ। कॉन्क्रीट क्या होता है, सीमेंट सैंड कोर्स एग्रीगेट वाटर और एडमिक्सचर्स का मिक्सचर। माइक्रोस्कोपिकली देखने पर यह हेट्रोजीनस होता है, मैक्रोस्कोपिकली देखने पर यह होमोजीनस होता है। ठीक है, अगर मैं माइक्रोस्कोपिकली देखता हूं तो यहां पर ट्रांजिशन जोन भी आती है TZ, ये ट्रांजिशन जोन वीकेस्ट लिंक होता है। तो इस ये इन सब के ऊपर बेसिक है ये कॉन्क्रीट का, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पर एक और भी बताया कि हम अब बात करी थी कि रिइंफोर्समेंट स्टील से ही क्यों की जाती है, वो इसलिए की जाती है क्योंकि कॉन्क्रीट गुड इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन, और बीम टेंशन में अच्छा है, सॉरी बीम में टेंशन और कंप्रेशन दोनों आती है, तो जो स्टील है वो टेंशन ले लेती है। स्टील टेंशन और कंप्रेशन दोनों में अच्छा है, बट टेंशन कौन लेता है, स्टील ले लेता है। और स्टील से ही क्यों रीइन्फोर्समेंट करते हैं, क्योंकि दोनों का अल्फा सेम है, अल्फा मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये दोनों का सेम है इसीलिए हम स्टील यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब फिर हमने क्या डिस्कस किया था, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज को डिस्कस किया था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक लोड को हमने देखा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जो कि 5% से ज्यादा उससे कम नहीं आते हैं रिजल्ट्स, नॉट मोर देन 5% ऑफ द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल इवन बिलो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। एंड कैरेक्टरिस्टिक लोड वो लोड है जो कि 5% से ज्यादा एक्सीड नहीं होगा, सिर्फ 5% टाइम्स ही एक्सीड हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं होगा, ये हमने मतलब देखा। कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में हम क्यूब टेस्ट करते हैं 28 डेज पर 15 सेंटीमीटर की क्यूब होती है, बिल्कुल बेसिक हमें बात पता है ये। उसके बाद डिजाइन स्ट्रेंथ और डिजाइन लोड, यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा इस बार SSC JEE में, ये ध्यान सुनो। डिजाइन स्ट्रेंथ होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, डिजाइन लोड होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और कंक्रीट का होता है 1.5, स्टील होता है 1.15, और जो लोड है वो लोड पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लगता है, 1.5 का। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, हमने बात करी थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ RCC सेक्शंस। तो बीम के सेक्शंस हमने देखे, बैलेंस्ड अंडर इन्फोर्स्ड और ओवर इन्फोर्स्ड। मैंने बताया बैलेंस सेक्शन वो होता है जिसमें स्टील और कंक्रीट दोनों साइमल्टेनियसली पहुंचते हैं। अंडर इन्फोर्स सेक्शन वो होता है जिसमें स्टील जीत जाता है रेस, यानी कि स्टील अपने परमिसिबल लिमिट पर पहले पहुंचता है, और यहां पर कंक्रीट अपने परमिसिबल लिमिट पर पहले पहुंचता है। परमिसिबल लिमिट किसकी, इसकी स्ट्रेन की परमिसिबल लिमिट, और स्ट्रेन की परमिसिबल लिमिट कितनी होती है, स्टील की अगर बात करें तो होती है 0.87 FY/ES प्लस 0.002, और कंक्रीट के लिए होता है 0.0035। समझ में आ रहा है, तो बैलेंस सेक्शन के लिए हमने ये देखा था, बैलेंस्ड UR और OR सेक्शन के लिए हमने बेसिक डेफिनेशन के लिए ये देखा। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या देखा, XU लिमिटिंग की वैल्यूज चेक करी, बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट है। XU लिमिटिंग के लिए हमने देखा 0.46, 0.48 और 0.53, ये वैल्यूज हैं Fe500, Fe415 और Fe250 की। ठीक है, आफ्टर दैट वी डिस्कस द वैल्यूज ऑफ लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये है 0.138 FCkBD2, ये है 0.133 FCkBD2, और ये है 0.148 FCkBD2। ठीक है, ये वैल्यूज भी आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछ लिए जाते हैं जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में। उसके बाद मैंने बात करी स्लैब और कॉलम्स के, बिल्कुल कुछ बहुत ही छोटे कुछ नंबर ऑफ क्लॉजेस बताए हैं, एक तरह से मेरी अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, बस यही याद कर लो। स्लैब मैंने सबसे पहले वन वे और टू वे डिस्कस किया, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब डिस्कस करने के बाद मैंने बात करी मिनिमम रीइन्फोर्समेंट की, 0.15% और 0.12% होता है। 0.12% होता है HYSD स्टील के लिए, 0.15% होता है माइल्ड स्टील के लिए। और अगर मैं मैक्सिमम स्पेसिंग की बात करता हूँ तो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है 3D और 300 mm, और 5D और 450 mm होती है जब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील या टेम्परेचर स्टील की बात करते हैं। उसके बाद हमने बात करी कॉलम्स की, कॉलम्स में मैंने आपको बताया कि मिनिमम डाया हम लेते हैं 12 mm का, और लॉन्गिट्यूडनल रीइन्फोर्समेंट मिनिमम नंबर ऑफ बार होते हैं 4 और 6, और उसके बाद जो लेटरल रीइन्फोर्समेंट है वो हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं कन्फाइनमेंट ऑफ कंक्रीट के लिए, और क्योंकि ये टाई करके रखता है, बकलिंग नहीं होने देता, और लेटरल शेयर भी लेता है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप और भी नोट कर सकते हैं कि जो लेटरल रीइन्फोर्समेंट है उसमें हेलिकल रीइन्फोर्समेंट ऐसी होती है कुछ इस तरह से, हेलिकल रीइन्फोर्समेंट इज मोर इफेक्टिव, ये बहुत अच्छी खासी कन्फाइनमेंट करती है।
ये कन्फाइनमेंट बहुत अच्छी करती है, बट इसको जनरली इंडिया में यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसकी जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, इसको बनाने में एक्सपेंस ज़्यादा लगता है और जनरली इसको बनाना मुश्किल भी है, थोड़ा लेबर के लिए मुश्किल भी है, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन पर्सन के लिए मुश्किल है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। आई होप मैंने कुछ क्वेश्चन आज के सेशन से, अराउंड 4 क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं आपके SSC JEE 2019 के पेपर में, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, वाकई अच्छा लगा, तो इसको लाइक ज़रूर बनता है, और अगर लाइक बनता है शेयर भी बनता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अभी ज्वाइन करो, और टेलीग्राम चैनल CIZ+ नोटिस बोर्ड का ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स, कुछ ना कुछ हम इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, जो भी जॉब अपडेट्स आ रही हैं, कोई भी एग्जाम अपडेट, वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी इन द एंड मैं फिर कहूँगा, आप CIZ+ की मोबाइल ऐप इंस्टॉल करिए, जहाँ पर 3 टेस्ट आपको फ्री में मिलेंगे, वो ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे से पेड कोर्स भी पढ़ना चाहते हैं, मेरे से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो आप SSC JEE फुल न्यूट्रिशन पैक ले सकते हैं, और BULLET67 इज़ द प्रोमो कोड। BULLET67 फिर लिख देता हूँ, BULLET67 में आपको 67% ऑफ मिल जाएगा, और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर। आई होप यू स्टे हेल्दी। टिल देन, गुड बाय।